जकात नहीं दूंगा। अब बीवी नहीं पहनती तो क्या शोहर पे जकात वाजिब होगी? पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जिसके मिल्कियत में कोई चीज होती है उसी के ऊपर जकात वाजिब होती है, दूसरे पर नहीं। तो बीवियों के पास अगर सोना है तो इन पर जकात वाजिब है अपने सोने के अदा करने की। शोहर किस वजह से अदा करेगा? वो बेचारा खामखा कुर्बानी का बकरा बनता है। जकात अल्लाह ने इसीलिए वाजिब की है कि इंसान अपने माल में से गरीबों का हक निकाले, नंबर दो माल की महब्बत दिल से निकले, और नंबर तीन दिल से बुखल दूर हो, कंजूसी की आदत निकले। ये बहनों ने अपना जेवर सब संभाल के रखा होता है, शोहर को इशारे करती रहती हैं अदा करते रहो। तो ये तीनों चीज़ें जो इनके माल में हिकमत अल्लाह ने रखी थी यानी ज़कात की अदायगी के सिलसिले में, वो पामाल हो रही हैं। बहनों को चाहिए कि अपने पास से ज़कात अदा करें, नहीं कमाती तो सोने को बेच के ज़कात अदा करें ताकि अल्लाह ताला के राह में माल खर्च करने के सिलसिले में इनकी हिम्मत जाहिर हो और बुखल दूर हो, माल की महब्बत दूर हो। तो शोहर पर तो वैसे ही वाजिब नहीं थी। हाँ, अगर वो शोहर अपने तौर पर अदा करना चाहता और बीवी उसको कह देती कि हाँ मेरी तरफ से अदा करें तो बहरहाल अदा हो जाएगी।